सो गाइस, आज की वीडियो होने जा रही है हमारी मारुति सुजुकी वैगनार पे। और ये गाड़ी एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। और इसमें एक्सीडेंटल रिपेयर होगा, हालांकि इसको एक्सीडेंट नहीं कह सकते। ये एक मिट्टी के ढेर पे चढ़ गई थी, जिसकी वजह से इसका जो इनर फ्रेम है वो मुड़ गया है। रेडिएटर वगैरह जिस पे बनता है, तो मज़बूती देख रहे हो कितनी अच्छी है गाड़ी की। और ये आपको क्लियर दिख रहा होगा कि इसका जो आगे का फ्रेम है, चेचिस नहीं, फ्रेम बेंड हो गया है, उसको ठीक करना है। और एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी है और ये लड़ी नहीं है, सिर्फ आगे देखा नहीं गया और गाड़ी मिट्टी के ढेर पे चढ़ गई है। स्पीड ब्रेकर टाइप में समझ सकते हैं, मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ था उसी पे चढ़ गई और उसकी वजह से ये इम्पैक्ट हो गया है। नंबर वगैरह कुछ नहीं पड़ा है और दूसरे साइड के बम्पर से गैपिंग भी इसकी आउट है। और आउट क्यों है वो आप देख के समझ गए होंगे, क्योंकि जब फ्रेम ही अपने साइड सेंटर पे नहीं है तो थोड़ी तो गैपिंग आएगी। तो अभी जब हम बम्पर हटाएंगे, आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा इस गाड़ी के साथ क्या हुआ है। और मिट्टी वगैरह आप देख ही सकते हैं, झड़ रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं इसके साथ क्या हुआ है। तो ये दो मेन साइड सपोर्ट होते हैं और ये चेचिस से भी जुड़े होते हैं, और जो रेडिएटर का फ्रेम होता है वो भी इसी में जुड़ा होता है। तो ये दोनों चीज़ें अंदर चली गई हैं। तो यार, एक्सीडेंटल रिपेयर वाला काम हमारा हो गया है। आपने जैसा कि वीडियो में देखा है, इस गाड़ी में एक चीज़ जो बताना भूल गया था, इसका एक फेंडर भी डेंट पेंट होगा। नई गाड़ी के साथ इतना सब कुछ हो गया है और काफ़ी लोग कहेंगे गाड़ी सेफ़ नहीं है, तो मैं ये कहना चाहूँगा टू व्हीलर से तो सेफ़ ही है। बाकी बजट जिसका जैसा होगा वैसी उसको गाड़ी मिलेगी। मार्केट में मजबूत गाड़ी के भी ऑप्शन है, तो शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बजट ज़्यादा हो तो आप मज़बूत गाड़ी भी ले सकते हैं, जिनका जो बजट होता है वो वही लेगा। और इसका मतलब ये सब गाड़ी लेने का मोटिव भी यही होता है कि टू व्हीलर से तो ज़्यादा ही सेफ रहती हैं, और जिनके घर में चार पांच लोग होते हैं तो वो ले सकते हैं। तो रिपेयरिंग के टाइम पे अंदर के साइड जहाँ पे भी पेंट हट गया है, वहाँ पे हम दोबारा पेंट लगा दे रहे हैं, ताकि रस्टिंग ना होए और जंग ना पकड़े, ताकि पैनल ख़राब हो सकता है। हालांकि अभी इतनी जल्दी तो नहीं होगा, लेकिन हाँ लग सकता है। तो हमने पेंट लगा दिया है और इसका फेंडर पूरा पेंट होगा, वो दब गया था, वीडियो में हमने दिखाया था आपको। तो अभी आपको गाड़ी दिखाते हैं कि गाड़ी का फाइनल लुक क्या है, क्योंकि हमने फेंडर वगैरह का नहीं, एक्सीडेंटल
जो काम था उसी पे ज़्यादातर दिखाया था। तो चलिए आपको गाड़ी दिखाते हैं। तो क्योंकि गाड़ी नई है और हमने इसमें अंदर वाला ज़्यादातर काम किया है, तो गैपिंग थी वो भी सही हो गई है। तो उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। इसका एक फेंडर हमने पेंट किया है जो कि अभी ताज़ा है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।